हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है इसी के साथ आप लोगों का। तो आई थिंक आप लोग सभी लोग वीडियो को पसंद कर रहे हैं, और क्योंकि वो कमेंट्स में और लाइक्स में और सब्सक्राइब में दिख रहा है, तो इसी तरह हमें अपना प्यार देते रहें, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं और मुझे मोटिवेट करते हैं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से अच्छे टॉपिक के साथ, अच्छे से अच्छे कॉन्टेंट के साथ पढ़ाता रहूँ और नई चीज़ें बताता रहूँ। बिकॉज क्योंकि जो भी चीज़ें मैं ला रहा हूँ, आई एम जस्ट फाइंडिंग अ न्यू कॉन्टेंट, न्यू थिंग्स, ताकि आप उससे बहुत तेजी से अपडेट हों और बहुत तेजी से इंग्लिश बोलना स्टार्ट करें। क्योंकि इंग्लिश इज द वे टू कम्युनिकेट विद एनीवन इन एनी वर्ल्ड, लाइक आज के टाइम पे बहुत जरूरी है सबके लिए। बिकॉज आई जस्ट टोल्ड टू इन स्टार्टिंग, नाउअडेज इंग्लिश इज स्वीटर देन ऑक्सीजन। जी हाँ दोस्तों, आज के समय पर इंग्लिश ऑक्सीजन से भी ज्यादा जरूरी है। तो आज मैं आपको दो नए टाइम वर्ड के साथ बात करूं, और ये दोनों टाइम वर्ड एक के साथ एक तरीके से हम देखें तो इंटरकनेक्ट है। हम दोनों टाइम वर्ड की बात करेंगे और मैं आपको टाइम वर्ड बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। और मैं आज आपको एक नई चीज बताता हूँ कि जी हाँ, मेरे साथ मेरी इंग्लिश में आपको एक चीज करनी पड़ेगी। आप बचपन से इंग्लिश और ग्रामर सीखते आए हैं, नाउ दैट व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट यू हैव टू फील द ग्रामर। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, ग्रामर को फील करना स्टार्ट करिए। होता क्या है, आप ग्रामर को सिर्फ पढ़ रहे हैं, रट रहे हैं। आपको एक मकपॉट, रट्टू तोता नहीं बनना है, आपको ग्रामर को फील करना है। जब वो चीज आप फील करने लग जाएंगे तो आप उसमें आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिक जनरेट होगा और वो फिर इंग्लिश आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट्स ऑटोमेटिक, वो ऑटोमेटिक निकलेगी। जी हाँ, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मैं जब सोचता हूं, जब मैं इंग्लिश में बोलता हूं तो मैं खुद सोचता हूं कि यार इंग्लिश कैसे निकल रही, हाउ दैट इंग्लिश कमिंग, मेरे को समझ में नहीं आता इंग्लिश निकल कैसे रही। एंड दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर मी ऑल्सो। जैसे मैं इंग्लिश बोलना स्टार्ट करता हूँ तो बहुत मजा आता है मेरे को इंग्लिश बोलने में। इट्स इवन लाइक जैसे ही मेरे मन से इंग्लिश निकलते, जब अंदर से इंग्लिश निकलते, मुझे ये लगता है कि एक्चुअली आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। बिकॉज जब मैं पहले सुनता था, मैं लोगों को देखता था मूवीज में, कहते कैसे लोग इंग्लिश बोल लेते हैं, हाउ दे स्पीकिंग। नाउ आई एम फीलिंग वेल कि यार मुझे बड़ा मजा आता है व्हेनेवर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश। तो हाँ, आगे हम पढ़ते हैं। आज हमने दोनों टाइम वर्ड के बारे में बात करते हैं। टाइम वर्ड बहुत ईजी है, जी हाँ, जिसमें हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हमारा टाइम वर्ड, अगर मैं बोलूँ तो इंग्लिश की स्टार्टिंग ही यहाँ से, लेकिन मैंने इंग्लिश स्टार्ट शुड से की थी, बिकॉज हम शुड पे बहुत ज्यादा ये करते हैं, हम अपनी ज्यादातर चीजें चाहिए से बिलीव करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है वो इज एम आर, आईएनजी फॉर्म। जी हाँ, आपका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। क्यों पढ़ाने जा रहा हूं मैं आज, ये बहुत जरूरी, क्योंकि हम जैसे इंग्लिश बोलना स्टार्ट करते, मैंने अमूमन लोगों को देखा, अगर मैं कहीं के एरिया की भी बात करूँ, इट्स नॉट पर्टिकुलर, तो मैं बात करूंगा तो लोगों को देखा मैंने, वो यूज कर रहे हैं मूवीज में भी मैंने देखा, दे आर यूजिंग लाइक आई एम नॉट डाइंग, यू आर नॉट खाइंग, एंड वी आर हसिंग एंड मुस्कुराइंग, वी आर लर्निंग इंग्लिश। सो दे आर यूजिंग आईएनजी फॉर्म जब भी उन्हें लगता है कि हम इंग्लिश सीख रहे हैं। तो ऐसा नहीं, लेकिन मैं आपको इसका यूज करने का बहुत ही सिंपल और बहुत ही इनोवेटिव आइडिया देता हूँ, और बहुत ही इनोवेटिव ट्रिक बताता हूँ जिससे आप बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे। तो जी हाँ, आइए देखते हैं एसएमआर, एसएमआर को कैसे यूज करना है प्लस आईएनजी के साथ। कंटीन्यूअस फॉर्म है और इसको यूज करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ दो चीजें याद रखनी पड़ेगी। जी हाँ, पहला याद रखना पड़ेगा आपको एक्शन और नो एक्शन। अब एक्शन नो एक्शन क्या होता है, जी हाँ, एक सिंपल सा तरीका ध्यान कर लीजिए, आईएनजी उसी के साथ जुड़ता है जो एक्शन है। एक्शन मीन्स यानी कि जो चीज आप करते हैं, यानी कि क्रिया। That is, like, if I'm doing anything, like, अगर मैं कुछ कर रहा हूं तो उसी के साथ ing जुड़ सकता है। कभी भी आप no action के साथ ing add नहीं कर सकते। जी हाँ, ये ध्यान रखें। No action में क्या आता है? No action की कुछ types होते हैं, मैं आपको simply बता देता हूं। Occupation, फिर आता है आपका name, किसी का भी नाम, फिर आता है आपका condition, और फिर आता है last, that is quality। कोई भी क्वालिटी, कोई भी ऑक्यूपेशन, कोई भी नाम, कोई भी कंडीशन, ये नो एक्शन होता है। और इन दीज काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ नो एक्शन वी कैन नॉट ऐड आईएनजी, हम इसके अलावा आईएनजी ऐड नहीं कर सकते। जी हाँ, अब आते हैं एक्शन। एक्शन क्या होता है, इफ दैट वर्ड, कोई भी हिंदी शब्द जो ना से एंड होता है, लाइक उठना, बैठना, सोना, खाना पीना, नहाना धोना, दैट एवरी वर्ड इज एंडिंग विद ना, तो ये हमारा एक्शन और वर्ब कहलाता है, एंड वी कैन ऐड आईएनजी। जी हाँ, हम इसके साथ ing add कर सकते हैं, और यही हमारा एक smr के साथ फॉर्मेट बन जाता है। और आपको एक चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, लाइक इफ दैट इज एक्शन तो आप उसका smr के साथ ing यूज करें। अब ing और smr का एक सिंपल सा इज इक्वल टू, सिंपल सी चीज याद रखें, दैट इज मोशन। जो भी चीज मोशन में होती है आप उसका smr के साथ ing यूज करते हैं। लाइक मैं चल रहा हूं, दैट आई एम इन मोशन।
एनीथिंग इज हैपनिंग, कुछ भी हो रहा है, दैट इज इन मोशन. मैं इस वीडियो को बना रहा हूं, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, दैट मेक इज इन काइंड ऑफ एक्शन एंड वी आर एडिंग आईएनजी एंड दैट इज इक्वल टू मोशन. ये मोशन में भी है और हम इसमें आईएनजी भी ऐड कर सकते हैं. एज सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है एक्शन और मोशन एंड दैट यू कैन एड एसएमआर प्लस आईएनजी. वेरी सिंपल. नाउ वी आर जस्ट टेलिंग अबाउट द सिंटेक्स ऑफ दिस. सिंटेक्स इज वेरी इजी. सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट प्लस एसएमआर प्लस आईएनजी, सॉरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईडीसी. सो अब इसके साथ अगर हम प्रैक्टिस करें तो बहुत सिंपल. आप डेली बोलते हैं मैं कर रहा हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, आई एम डूइंग दिस वर्क, मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं नहा रहा हूं, आई एम बेदिंग, मैं चिल्ला रहा हूं, आई एम शाउटिंग, मैं वीडियो बना रहा हूं, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग, तुम लिख रहे, यू आर राइटिंग, हम सब लिख रहे, वी ऑल आर राइटिंग. दैट सिंपल, दैट वेरी इजी इफ यू आर जस्ट गोइंग टू कम्युनिकेट. अगर आप कम्युनिकेट करना स्टार्ट करेंगे तो इस आईएनजी फॉर्म से आप बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे. बस दो चीजें याद रखनी, इफ एक्शन एंड इफ देयर इज अ मोशन. अगर एक्शन है और मोशन है तो एसएमआर प्लस आईएनजी यू कैन ऐड इन दिस वर्ब. वर्ब के साथ ऐड होगा और आप सेंटेंस बनाएंगे और किसी के सामने भी इंग्लिश बोलना बहुत ही आसान तरीका हो जाएगा. समझ में आ रहा है? जी हाँ. इसी के साथ एक इंटरकनेक्ट टॉपिक है, उस पर भी हम बात करेंगे. मैं इसको रफ करने जा रहा हूं और आपको मैं इसकी एक फोटो जो है वो हमारे फेसबुक पेज, जी हाँ, अनमोल इंग्लिश के फेसबुक पेज पे इसकी फोटोज मिल जाएंगी. और आपको कुछ भी अगर पूछना हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, आप उस पर शेयर कर सकते हैं. आप अपने जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं कि इसका क्या मीन है और हम इसको कैसे, और आप अपने टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं. जी हाँ, जैसे आपको मान लीजिए आपको लगता है कि हमें कुछ सीखना है, हमारे पास एक नया टॉपिक या आप ये सीखना चाहते हैं, आप मुझे टॉपिक शेयर कर सकते हैं कि सर मुझे इसमें प्रॉब्लम है, तो हम किसी ना किसी वीडियो में हम उस टॉपिक के बारे में आपको क्लियर कर देंगे और आपको उस टॉपिक के बारे में समझा देंगे. तो ये रहा एसएमआर. नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू मूविंग अहेड. अब हम आपके नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं. बहुत ही इजी और बहुत ही शानदार टॉपिक है, दैट इज फॉन्ड ऑफ. जी हाँ, आपने बहुत सुना होगा लोगों को ये वर्ड यूज करते हुए, जब भी लोग अपने लाइक्स या डिसलाइक के बारे में बात करते हैं, सॉरी डिसलाइक के लिए लाइक के बारे में बात करते हैं, लेकिन डिसलाइक में भी यूज करते हैं अगर आप नेगेटिव सेंस में यूज करेंगे इसको. लाइक जैसे अगर आप, मैंने किसी मूवी स्टार का वो सुनाया, अगर वो हॉबीज के बारे में बता रहे हैं तो वो मोस्टली अपने फॉन्ड ऑफ, क्योंकि अब वो जमाना पुराना, माई हॉबी इज, माई हॉबीज आर, नाउ दैट पीपल आर यूजिंग फॉन्ड ऑफ. फॉन्ड ऑफ का मतलब क्या होता है अगर हिंदी में बात करें तो वाक्य के अंत में दैट शौक है, हमें किसी चीज का शौक होता है. And we can easily say the Shockeens. जो the Shockeens होते हैं वो यूज करते हैं fond of. बहुत ही ईजी है. आपके वर्ड के एंड में जो भी आपके सेंटेंस है उनके वाक्य में अगर शॉक है आता है तो आप सिंपल fond of यूज कर सकते हैं. और इसका सिंटेक्स बहुत ही ईजी है, मैंने वर्ड भी बताया एसएमआर के साथ. तो सिंटेक्स बहुत ही ईजी है, सिंपल सब्जेक्ट प्लस एसएमआर. देखिए यहां पर एसएमआर भी आएगा, बस एक नया वर्ड एड हो जाएगा, प्लस fond of and plus verb first form plus ing plus object and plus edc. Very simple. अब जैसे मैं बोलूं like मुझे पढ़ाने का शौक है, I'm fond of teaching. मुझे बोलने का शौक है, I'm fond of speaking. मुझे आध्यात्मिक किताबें पढ़ने का शौक है, I'm fond of reading spiritual books. मुझे बाइक चलाने का शौक है, I'm fond of riding bike. That very simple. आपको जिस चीज भी, अब जैसे आप मान लीजिए इंट्रो देते हैं, अगर आप इंट्रो में इस चीज के बारे में बोल रहे हैं, लाइक बहुत से लोग बोलते हैं आज के जमाने में माय हॉबी इज, तब माय हॉबी से बोले आई एम फॉन्ड ऑफ राइडिंग बाइक, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग स्पिरिचुअल बुक्स, आई एम फॉन्ड ऑफ एप्रिशिएटिंग द नंबर्स, आई एम फॉन्ड ऑफ लिसनिंग द नंबर्स, आई एम फॉन्ड ऑफ जस्ट क्रैकिंग अ जोक. दैट व्हाटएवर यू आर जस्ट सेइंग, दैट जो भी आपके लाइक्स हैं, जिस चीज को भी आपका शौक है, आप उस फॉन्ड ऑफ के साथ यूज करें, दैट इज वेरी अपडेटेड. आप बहुत अपडेटेड लगेंगे और आपको लगेगा कि हाँ अब पुरानी इंग्लिश नहीं बोल रहे हैं. जी हाँ, इंग्लिश बोले भी और अपडेटेड इंग्लिश बोले, जिससे आपको बहुत मजा आएगा. सो इसी के साथ फॉन्ड ऑफ और एसएमआर, आज आपने दो टॉपिक सीखे. आई होप आप इनको यूज करेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. जी हाँ, मेरा एक और सजेशन है आप लोगों के लिए और एक रिक्वेस्ट भी है, दैट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कि वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों को भी शेयर करें, क्योंकि आप वैसे भी जान रहे हैं इस समय देश में लॉकडाउन है, तो आप कोशिश करें कि लोग घर बैठे, जिनको अपॉर्चुनिटी मिल रही है और जिनको नहीं मिल पा रही तो आप उनको अपॉर्चुनिटी शेयर करें, क्योंकि मैंने अपने वीडियो के स्टार्टिंग में स्लोगन ऑन दी वैन यू ड्रीम इट सो यू कैन डू इट,
अगर आपने सपना देखा है तो आप ही पूरा कर, लेकिन उस सपने के साथ साथ हमें गाइडेंस और एक हेल्प की जरूरत होती है। तो वो आप किसी के लिए गाइडेंस, किसी के लिए हेल्प करें, लोगों को शेयर करें, कुछ लोग नया सीख सकते हैं। और उनसे भी जरूर रिक्वेस्ट ये कहें कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और मोटिवेट हूं, मैं आपके लिए और मेहनत करूं, मैं कुछ और नई नई चीजें लेकर आऊं। तो इस एम आर फाउंडर के साथ यूज करते रहे, सो यू कैन यूज दीज काइंड ऑफ टाइम वर्ड लाइक आई एम यूजिंग ऑल्सो, एंड यू कैन यूज एंड यू कैन स्प्रेड। तो कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लाइकिंग माई चैनल, और इसी तरह मोटिवेट करते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो। थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग दिस वीडियो, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय लाइक, डोंट ट्रबल योर पेरेंट्स, नाइस मीट ऑल ऑफ यू, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।